ट्रैवलिंग सिकनेस। जब भी कहीं भी घूमने जाना हो या कहीं काम पे जाना हो, बिजनेसमैन हो या जॉब वाला हो, या बच्चे हो या बड़े हो, अगर कहीं जाना है घर छोड़कर तो लोगों को साधनों का उपयोग करना होगा। कई बार हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमें ट्रैवलिंग सिकनेस हो जाती है, कई बार समुद्र की यात्रा में, और कई बार एरोप्लेन में, और कई बार बस ट्रेन या अपनी ही व्हीकल पे जब जाते हैं तब होता है। ऐसे सभी लोगों के लिए चार कैटेगरी में मैंने पॉइंट को बांटा है। अगर पहाड़ों के रास्ते में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले अगर ट्रैवलिंग सिकनेस है तो एक पॉइंट बहुत ही कारगर है, वो है GV12। GV12 जैसे आपको पता है ये बैक साइड में आता है। GV12, GV12 के लिए इस जोड़ से यहाँ एक गड्ढा होता है, उन दोनों के बिल्कुल बीच में ये पॉइंट है और इसको आपको दबाना चाहिए। यहीं पर अगर समुद्र की सिकनेस है, आप समुद्र के रास्ते से बॉम्बे से गोवा या कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर समुद्र का यूज कर रहे हैं, तो एक पॉइंट है CV14। ये हाथ की कलाई में बिल्कुल बीच में आता है, ये ध्यानपूर्वक आप देख लेंगे। इस पॉइंट को आप दबाएंगे, इमेज में आपको दिखा दूंगा। साथ ही साथ अगर कोई एरोप्लेन में जा रहा है, उसको कान बंद हो गए हैं, सुनना बंद हो गया है, घबराहट होती है, ट्रैवलिंग सिकनेस है, तो उसी वक्त उसके पास बहुत अच्छा साधन है कि वो इस पॉइंट को यूज कर सकता है, वो पॉइंट है TW10। साथ ही साथ जिन लोगों को कार, बस या ट्रेन में जाते हुए सफर में डिजीनेस हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होती है, और ऐसे रह गए व्यक्ति को बहुत अच्छा पॉइंट काम करता है GB34। GB34 जैसे आपको पता है ये बड़ी वाली उंगली के सेकंड जोड़ से नेल वाली साइड पे बिल्कुल ये पॉइंट है। इस पॉइंट को आप प्रेशर देंगे जिम्मी की मदद से, और इन सब पॉइंटों के अलग अलग भी आप इसको सेडेट करना होगा। सेडेट के लिए व्हाइट मैग्नेट टच होगा और येलो मैग्नेट दिखना चाहिए। बहुत ज़्यादा सिकनेस होती है बस और ट्रेन और कारों में, तो येलो कलर दिखना चाहिए और व्हाइट कलर टच रहना चाहिए। बहुत ही कारगर पॉइंट है, करके देख लें ट्रैवलिंग।